हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने मतलब अलजेब्रा का कुछ क्वेश्चन रखने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि 5 का पावर ए बराबर 6 का पावर बी बराबर 30 का पावर सी, तब 1/c का मान क्या होगा। देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब ये चीज़ हल नहीं होगा। देखो ध्यान से देखो, ये चीज़ें जो होती हैं मतलब SSC CGL, SSC MTS, SSC CHSL, SSC स्टेनोग्राफी, मतलब जो कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम करवाए जाते हैं मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें ये चीज़ें आते हैं। कई कई देखने को मिलता है, जैसे मतलब छोटी छोटी मतलब जो वैकेंसी आती है उसमें भी मतलब ये चीज़ें इंक्लूड रहता है। तो मतलब क्या है, ये जो है जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये बहुत आप सब जीवन के लिए, जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबके जीवन में बहुत सारा ये उपयोगी है क्वेश्चन। 5 का पावर a बराबर 6 का पावर b बराबर 30 का पावर c, तो 1/c का मान फाइंड आउट करना है, निकालना है, तो यहाँ लेट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो माना गया कि 5 का पावर a बराबर 6 का पावर b बराबर 30 का पावर c बराबर k, मतलब एक पद दो पद तीन पद चार पद, मतलब चारों पद आपस में क्या है, बराबर है। चारों पद जब आपस में बराबर हैं तो इतना बराबर इतना कह सकते हैं, इतना बराबर इतना कह सकते हैं, और इतना बराबर इतना कह सकते हैं। मतलब 5 का पावर a बराबर k कह सकते हैं, 6 का पावर b बराबर k कह सकते हैं, और 30 का पावर c बराबर कितना k कह सकते हैं। तो ये जो बनाया गया है, ये मतलब दिस इंप्लाई दैट का चिन्ह है। इस प्रकार से क्या होगा, 5 बराबर क्या हो जाएगा, के का पावर 1/2 कितना हो जाएगा ये। इसके पहले वाले वीडियो में आप सभी को बताया थे कि जैसे एक्स का पावर वाई बराबर क्या है ये, तो एक्स का मान क्या होगा, ए हो जाएगा, और जो वाई है उधर जाएगा तो 1/2 क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। मतलब क्या है, ये रूल है। पिछले वाले वीडियो में जो बच्चे नहीं देखे हैं जाके इसको देख सकते हैं। तो 5 बराबर k का पावर 1/2 हो जाएगा, एक क्वेश्चन फर्स्ट मान लिया है। उसके बाद 6 का पावर b बराबर k है, तब 6 बराबर क्या हो जाएगा, सेम वही से करना है, k का पावर 1/2 हो जाएगा। 30 पावर c बराबर k है, तो 30 = k पावर 1/2 क्या हो जाएगा, c, एक क्वेश्चन थर्ड मान लिया है। अब क्या होगा, जो 30 है इन दोनों में मतलब क्या बनाना है, 5, 6 और जो 30 में क्या देखना है, संबंध देखना है। तो 5, 6, 30 में संबंध आप देखेंगे तो हर कोई छोटा बच्चा बता देगा कि इन तीनों में संबंध ये है, 30 बराबर क्या लिख सकते हैं, 5 × 6 या 6 × 5 लिख सकते हैं। मतलब 30 बराबर क्या हो जाएगा, 5 × 6, और 30 का वैल्यू जो दे रखा है k का पावर 1/c दे रखा है, और 5 का जो वैल्यू दे रखा है k का पावर 1/a दे रखा है, गुणा लगा दिए, और 6 का जो वैल्यू दे रखा है k का पावर 1/b दे रखा है। अब ध्यान से सब बच्चे देखें, यहाँ पे जो अधर्वा है वो क्या है, समान है। जब अधर्वा समान होता है तो अधर्व को इसे उतार लेते हैं, और जो घात होता है उस घात को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। मतलब k का पावर 1/a + 1/b हो जाएगा। अब क्या बता सकते तुम सबको कि जब मतलब क्या, जब ये आधार मतलब जो आधार समान है, पिछले वाले वीडियो में तुम सबको बताया था, जब आधार समान है तो मतलब जब आधार समान होता है तो घात भी आपस में क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। मतलब 1/c = 1/a + 1/b आपस में क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। अब इसका जो है ट्रिकी अप्रोच क्या है, मतलब देखते हुए मतलब इसको ऐसे उड़ा दिया जाए, देखते हुए कोई क्वेश्चन आ गए तुरंत ऐसे बहुविकल्पी में इसे तुरंत उड़ा दिया जाए। तो ध्यान से देखें कैसे, मतलब ये लिखा हुआ है 30 बराबर कितना है, यहाँ संबंध देखेंगे, 5, 6, 30 में संबंध देखेंगे, तो संबंध क्या निकलेगा, 30 बराबर कितना कर सकते हैं, 5 × 6 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या तो 30 बराबर 5 × 6 कह ले, 30 बराबर 5 × 6 कह ले, चाहे 6 × 5 कह ले, एक ही बात है, 5 × 6 कह ले। तो आप सभी को पता होगा 30 का पावरवा यहाँ कितना होता है, 1। दुनिया में कोई भी संख्या है मान लेते हैं x, उसका घात हमेशा +1 के रूप में छिपा होता है, तो यहाँ घात 1 है, 5 का पावरवा 1 है, 6 का पावर कितना है, 1 है कि नहीं है, है। 30 का पावर 1 = 5 का पावर 1 × 6 का पावर 1 है कि नहीं है। अब ध्यान से देखो, यहाँ 30 वाला जो संबंध है, यहाँ 1 है पावर और यहाँ कितना है, c है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी यह ट्रिक बनाया गया है 1 लिख देना है, और नीचवा क्या लिख देना है, c बराबर। यहाँ 5 वाले में संबंध देखेंगे तो 1/1 लिख देना है, ये 1 लिख देना है, और बटे में क्या कर देना है, a कर देना है, और प्लस लगा देना है, प्लस जैसे गुणा लगा है, और गुणा को घूर से देखोगे, सीधा करोगे तो प्लस के रूप में है, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और 6 का पावर 1 है, तो 1/2 कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। यही 1/c का क्या हो गया, मान आ गया 1/a + 1/b। मतलब ये देखिए अप्रोच है, मतलब देखते हुए आप इसको उड़ा सकते हैं, मतलब कोई बहुविकल्पीय में क्वेश्चन ऐसा आ गया, ये क्वेश्चन ऐसा आ गया, आप मतलब इसको तुरंत हल कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।